न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। वक्त हो गया एमपी एक्सप्रेस का, बताएंगे मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरें। और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश में मौसम के मिजाज की, क्योंकि प्रदेश में ठंड एक बार फिर से अपना जो प्रकोप है वो बढ़ाती दिखाई दे रही है। एक तरह से ठंड फिर से कहर बरपा रही है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक 19 जनवरी तक अब भोपाल समेत कई शहरों में ठंडी हवाएं चलने वाली हैं। वहीं मौसम विभाग ने ठंडी हवाएं चलने और बादल छाने की भी संभावना जताई है। इस अवधि में दिन और रात के तापमान में भी 2-3 डिग्री की गिरावट देखी जा सकती है। इसके साथ ही एमपी के 24 जिलों में मध्य से घना कोहरा छाने की भी संभावना है। आपको बता दें कि तापमान की अगर बात कर ले तो सर्दी का सितम एमपी में आने वाले वक्त में भी जारी रहेगा, इस वक्त भी दिखाई दे रहा है। शहडोल के कल्याणपुर में 4.3 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, तो छतरपुर के बिजावर में 4.4, रीवा में 4.6 और सिंगरौली में देवरा में 4.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। कुल मिलाकर के जो सर्दी का सितम है वो बदस्तूर जारी है और आने वाले वक्त में भी इससे राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। इधर मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है, जहां पर कोहरे से विजिबिलिटी बहुत कम है, तो वहीं बारिश ने भी तापमान को और ज्यादा गिरा दिया है। मौसम विभाग ने 3 जिलों में कोहरे को लेकर के अलर्ट तक जारी किया है। मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं के चलते ठिठुरन वाली ठंड की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं ने प्रदेश का पारा गिरा दिया है। कोहरा शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कोहरे और शीतलहर को लेकर प्रदेश के 3 जिलों में अलर्ट, छतरपुर, ग्वालियर और दतिया में मौसम विभाग का अलर्ट। प्रदेश के 24 जिलों में कोहरे छाए रहने की संभावना जताई है। आज जबलपुर जिले की करें तो यहाँ भी तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 36 घंटों के बाद आज जबलपुर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तकरीबन पहुंच गया है। उसके साथ साथ बर्फीली हवा भी चल रही है, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 3 जिलों में ठंड प्रचंड तेवर में है, तो वहीं धुंध ने कई जिलों में विजिबिलिटी को माइनस कर दिया है। मौसम केंद्र ने कई जिलों में खुआसा होने की चेतावनी दी है। कहां कैसा रहेगा मौसम? आज इन जिलों में कोहरा, पन्ना, दमोह और सागर जिले में हल्का कोहरा। यहां विजिबिलिटी 200 से 800 मीटर तक रहने का अनुमान। सीधी, रीवा, टीकमगढ़, निवाड़ी, गुना, शिवपुरी में मध्यम कोहरा। यहां 50 से 500 मीटर तक विजिबिलिटी रहने का अनुमान। चंबल संभाग के साथ मंदसौर, छतरपुर, अशोकनगर, नीमच में घना कोहरा। यहां 50 मीटर से कम विजिबिलिटी रहने का अनुमान। बर्फीली हवाओं से पूरा मध्य प्रदेश ठिठुर गया है। खजुराहो का अधिकतम तापमान जहां 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, वहीं ग्वालियर, नौगांव, सतना और रीवा में भी पारा नीचे रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कई जिलों में उत्तरी हवाएं सीधे आ रही हैं। वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होने से राज्य में हाड़ कपा देने वाली ठंड का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। किस जिले का तापमान कितना? ग्वालियर में अधिकतम तापमान 17.4 डिग्री रहा, भोपाल में 25.9 डिग्री, इंदौर में 25.9 डिग्री रहा, जबलपुर में 25.5 डिग्री और उज्जैन में 26.6 डिग्री दर्ज किया गया। खरगोन में सबसे अधिक 28.6 डिग्री तापमान रहा। रीवा, टीकमगढ़, सीधी, शिवपुरी, पचमढ़ी में पारा 10 डिग्री से कम रहा। मध्य प्रदेश में सर्द मौसम का असर बरकरार है। मौसम केंद्र ने 20 जनवरी के बाद राहत के आसार जताए हैं। हालांकि अभी जो हालात है उससे बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मिलाकर कहा जाए फिलहाल मौसम जो है राहत भरा नजर नहीं आ रहा है। दुर्गेश कुमार, न्यूज स्टेट, जबलपुर। और इस बीच भोपाल से आ रही